हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टीएच एडवाइस। दोस्तों, एक बंदा था, वो बहुत ही परेशान था और उसके चैनल से जो मोनिटाइजेशन था उसे डिसेबल कर दिया गया था। ऐसी कंडीशन में उस बंदे के माइंड में अलग अलग डाउट चल रहे थे और अलग अलग क्वेश्चन चल रहे थे। सोच रहा था क्या मैं दूसरा चैनल बना लूं या इस इशू का कुछ हो सकता है। दोस्तों, जो एरर था वो स्टेप टू को लेकर था और भाई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उस एरर को फिक्स करने में। दोस्तों, ये इशू था, आप देख सकते हैं, यू आर ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट, और इनका जो एडसेंस अकाउंट था उसमें ये इशू था। आप देख सकते हैं इस प्रकार का एडसेंस अकाउंट में इशू आ रहा था। अब इस इशू को मैंने कैसे फिक्स किया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा किसी भी बंदा या बंदी का कोई भी काम बनता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इस प्रकार के इशू को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम किसी का भी यूजर आईडी पासवर्ड लेते हैं तो सबसे पहले हम उससे इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल करते हैं, उसके बाद ही हम किसी का भी यूजर आईडी पासवर्ड लेते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और मेरी एक ही इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहता हूँ और आपके सभी सवाल, कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल के आइकन पर भी टच कर देना। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इन भाई के एक क्लिप सुन लेते हैं जिनके इशू को आज हमने सॉल्व किया है, जिनके चैनल पे जो इशू आ रहा था यू आर ऑलरेडी एडसेंस, उस इशू को फिक्स किया, तो हम इनकी एक छोटी सी क्लिप सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, भाई मेरे सेकंड स्टेप में एरर आ रहा था तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया कि उस एरर को कैसे फिक्स किया जाए। तो मैंने डीएच एडवाइस की वीडियो देखी जिसमें उसने एरर को फिक्स करना बताया था। तो मुझे भाई कुछ कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया, तो भाई को मैंने मैसेज किया कि मेरे ये एरर फिक्स कर दे। तो भाई ने मुझसे इंस्टाग्राम पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा, मैंने उसको दबी दे दिया, तो भाई ने कुछ ही घंटों में उसको फिक्स कर दिया। तो आपको जिस चीज़ को एरर आया उसकी वीडियो देखो, समझो, और जिसको नहीं समझ आ रही भाई को मैसेज करो। तो धन्यवाद। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अपने लैपटॉप में इस चैनल को लॉगिन कर लिया है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने डीएच एडवाइस पर भरोसा करके अपने यूजर आईडी पासवर्ड हमें दिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं इनके मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे हम मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का इश्यू आ रहा है, एक एरर आ रहा है, और ये एरर क्यों आया है इसको जानने के लिए हम आए थे इन भाई की जीमेल अकाउंट में। तो हमने जीमेल अकाउंट जैसे ही लॉगिन किया, ओपन किया, तो यहाँ पर एक मेल दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। इन भाई का पहले से एक एडसेंस अकाउंट बना हुआ है और इन्होंने दूसरा एडसेंस अकाउंट इसी नाम पर क्रिएट करने की कोशिश की, इसके कारण इनके चैनल पर इस प्रकार का इशू आया है। फिर दोस्तों, हमने इन भाई के गूगल एडसेंस को ओपन किया तो उसमें देखा यहाँ पर इस प्रकार का इशू आया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भाई, अब इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, तो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अब इस इशू को कैसे फिक्स करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको अपने जीमेल अकाउंट में आ जाना होगा। जीमेल अकाउंट में आने के बाद अब आपको करना क्या है, जो आपका लोगो होता है जीमेल का, उस लोगो पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिख रहा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अच्छे से आपको समझना होगा, कहीं आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्या मैंने क्या क्या किया है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग क्यों ना हो जाए, बट आप इसको कंप्लीट देखना भाई। अब आपको करना क्या होगा, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे आपको जाना है। जैसे आप इस पर आते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। तो पहले नंबर पर आपको दिख रहा होगा पेमेंट मेथड,
पेमेंट मेथड के नीचे आपको दिख रहा है मैनेज पेमेंट मेथड, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहां पर चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स एंड सर्विस, पेमेंट मेथड, एड्रेस एंड सेटिंग। अगर आप इस प्रॉब्लम को अपने मोबाइल से फिक्स कर रहे हैं तो ये चारों ऑप्शन आपको यहां पर शो होंगे, यहां पर दिखने लगेंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, सेटिंग में आपको आ जाना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहां पर आपके गूगल एडसेंस की सारी डिटेल आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहां पे इसे स्क्रॉल कर लेना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे पेमेंट प्रोफाइल स्टेटस, अब आपको करना क्या है, क्लोज पेमेंट प्रोफाइल आपको कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, क्लोजिंग योर पेमेंट प्रोफाइल। अब आपको यहां पे इसे स्क्रॉल करना है और यहां पर देख सकते हैं एक आपको यहां पे पेमेंट प्रोफाइल का एक रीजन सिलेक्ट करना होगा, आप अपने इस प्रोफाइल को क्यों डिलीट करें। तो दोस्तों आपको यहां पे कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना, और मैं यहां पे रीजन सिलेक्ट करता हूं, आई डू नॉट नीड दिस प्रोफाइल एनीमोर, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद आपको करना क्या है, कंटिन्यू कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे करना है क्लोज पेमेंट प्रोफाइल, सिंपली आपको इस पर ऐसे टच कर देना है। उसके बाद आपको यहां पे थोड़ा सा वेट करना होगा और आपकी जो पेमेंट प्रोफाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं आपकी जो पेमेंट प्रोफाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। अब चलते हैं दोस्तों गूगल एडसेंस में। जैसे हम गूगल एडसेंस में आते हैं और अब हम यहां पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं जो इशू ये आ रहा है या क्या ये हटा है या नहीं, तो यहां पर हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे हमने रिफ्रेश किया तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर पेज हमारा रिफ्रेश होने लगा है। चलिए हम दोबारा से फिर रिफ्रेश कर लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर जो इशू आ रहा था, एरर आ रहा था, वो फाइनली यहां से हट चुका है, सबमिट हो गया है। अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, दोबारा से आपको अपनी जीमेल पे आना है और आप यहां पर इसे बैक करके और आपको यहां पर रिफ्रेश कर लेना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास दो मेल आ चुके हैं, जो हमने पेमेंट प्रोफाइल क्लोज की है उसकी यहां पे दो मेल आ चुके हैं। तो चलिए हम कोई एक मेल ओपन कर लेते हैं, चलिए ये वाली मेल ओपन हम कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर यू पे क्लोज योर गूगल पेमेंट प्रोफाइल, यहां से आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों हमने जो प्रोफाइल डिलीट किया हमारी प्रोफाइल डिलीट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, दोबारा से मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पे आपको आना होगा, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको कुछ बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। फिक्स इन एडसेंस करने से पहले आपको यहां पे कुछ बातों को अच्छे से समझ लेना होगा, और ये बात समझाने के लिए मैं चलता हूं दोबारा से अपनी जीमेल अकाउंट पर। तो दोस्तों हम जीमेल अकाउंट पर आ गए हैं, अब आपको यहां पे अच्छे से समझना होगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है यहां पर एक जीमेल अकाउंट पहले से शो कर रहा है, जिसकी जीमेल आईडी के चार वर्ड ये हैं सही। दोस्तों व्हाट, ये वाली ईमेल आईडी क्या है, इसका आईडी एंड पासवर्ड क्या है, सामने वाले बंदे को कुछ नहीं पता, जिसका ये अकाउंट है उसे कुछ नहीं पता इसका कंप्लीट आईडी क्या है और इसका जो पासवर्ड था वो भी क्या है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपको इस वाली जीमेल आईडी का आईडी और पासवर्ड पता होता तो इससे आप लॉग इन करके और अपनी पेमेंट प्रोफाइल डिलीट करके, एडसेंस अकाउंट डिलीट करके, तो इसी नाम से आप अपना एक एडसेंस अकाउंट बना सकते थे। लेकिन जब तक आप इस एडसेंस अकाउंट को डिलीट नहीं करेंगे तब तक आप अपने नाम से दोबारा से कोई भी पेमेंट प्रोफाइल नहीं बना सकते, एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। अब आपको करना क्या होगा, एक न्यू मोबाइल नंबर लेना होगा और एक ऐसा नंबर लेना होगा जो अभी तक किसी भी एडसेंस अकाउंट या यूट्यूब में ना लगा हो, और आपको यहां पर अपनी फैमिली में किसी एक मेंबर का आईडी प्रूफ ले लेना होगा जिस पर कभी भी एडसेंस अकाउंट ना बनाओ, और उस नाम से आपको एक न्यू एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं दोबारा से मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे हम मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर आए, अब आपको करना क्या होगा, फिक्स इन एडसेंस। दोस्तों आपके सामने इस प्रकार के तीन ऑप्शन आ जाएंगे, तो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं जो पहले का मतलब क्या है। पहले का कहने का मतलब यह है कि आपका अगर ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आपको पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बना है तो आपको नंबर टू सिलेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों आपको यही नहीं पता है कि हमारा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है या नहीं बना है तो आपको तीसरे नंबर का सिलेक्ट करना है। तो चलिए इनका हम न्यू एडसेंस अकाउंट बना के क्रिएट करने वाले हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं दूसरे नंबर का ऑप्शन।
दूसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना होगा। दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना है क्या होगा, एक न्यू जीमेल अकाउंट आपको बना लेना होगा और उससे आपको एडसेंस अकाउंट के लिए क्रिएट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करता हूँ यूज एनदर अकाउंट पे, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक अपनी न्यू जीमेल आईडी जो आपने क्रिएट किया वो जीमेल आईडी यहाँ पे डाल लेनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को देखकर जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इनकी जो न्यू जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है उससे यहाँ पे लॉग इन करने वाला हूँ। दोस्तों जीमेल अकाउंट और पासवर्ड मैंने फिल कर दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों फिर आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे भी अच्छे से समझना है और बात को ध्यान में रखना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर पहले दोस्तों देख सकते हैं योर वेबसाइट, यहाँ पर आपकी चैनल की जो यूआर लिंक है ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना होगा। नो सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी होगी, आप जिस कंट्री से वो कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी होगी। दोस्तों ये भाई इंडिया से है तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे स्क्रॉल कर लेते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज रिव्यू एंड एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पर ये बताया जाता है अगर आप अपने चैनल को एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं और मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 16 साल की ज्यादा की होनी चाहिए, ये यहाँ पर एग्रीमेंट है। दोस्तों अगर आप इस एग्रीमेंट को आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर यस पे आपको टिक करना होगा, उसके बाद क्रिएट अकाउंट आपको कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, गेट स्टार्टेड आपको कर देना होगा। अब दोस्तों जैसे आप गेट स्टार्टेड पर टच करते हैं ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है, अच्छे से समझना होगा। आपको यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस में आप पहले नंबर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट में नेम है, आपके पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट जो भी आपका नाम है सेम वही नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस है, आपको अपना एड्रेस अच्छे से फिल करना होगा। एड्रेस अगर आपका एड्रेस लाइन वन में कंप्लीट आ जाता है तो आप एड्रेस लाइन टू खाली छोड़ सकते हैं, अगर आपका एड्रेस लाइन वन में कंप्लीट एड्रेस नहीं आता तो एड्रेस लाइन टू में भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी सिटी फिल करनी होगी, जो भी आपकी सिटी है आपको अपनी सिटी यहाँ पे डाल देनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपना यहाँ पे पोस्टल कोड डाल देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है वो आपको अपनी स्टेट यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको लास्ट में दे रहा है फोन नंबर, अगर आप अपना फोन नंबर यहाँ पे फिल करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पे इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और मैं ये एडसेंस इनके फादर्स के नेम से बनाने वाला हूँ, क्योंकि इनके नेम से पहले से एक एडसेंस अकाउंट बना हुआ है इसलिए इनके नाम से एडसेंस अकाउंट नहीं बन सकता है। तो दोस्तों मैं अब इनके पिताजी के नाम से एडसेंस अकाउंट बनाकर लिंक करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल कर दी है और इसलिए हाइड कर दिया है क्योंकि मैं किसी की भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है। अब आपको करना क्या है, सबमिट कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होकर उसी पेज पर पहुंच जाएगा जहां से आपने मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और उस प्रॉब्लम को फिक्स किया था, यू आर ऑलरेडी एडसेंस। तो दोस्तों आप यहां पे वेट कर लीजिए, आपको रिडायरेक्ट नहीं करना, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर उसी पेज पर पहुंच जाएगा जहां से आपने प्रॉब्लम फिक्स करना शुरू किया था। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से वेट कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप यहां पे कोने में देख सकते हैं दोस्तों और ये अभी रनिंग में है तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है और ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर उसी पेज पर आ गया है। तो आप स्टेप टू पर देख सकते हैं इन प्रोग्रेस। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ समय के लिए वेट कर लेना होगा, 12 से 24 घंटे का आपको वेट कर लेना है और यहाँ पर स्टेप टू डन हो जाएगा। उसके बाद ये चैनल ऑटोमेटिक अंडर रिव्यू में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट से यहाँ पर वेट कर लेते हैं।
दोस्तों जब हमने एक दिन बाद चैनल को लॉगिन किया तो हम जाकर मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर देख लेते हैं जो मेथड हमने यूज किया था यहाँ पर, जिस मेथड का हमने प्रयोग किया था क्या वो सक्सेस हुआ है या नहीं। तो जानने के लिए हम चलते हैं मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर। जैसे हम मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप टू डन हो गया है और जो यहाँ पर एरर आ रहा था, जो इशू आ रहा था वो भी फाइनली यहाँ से हट गया है और सॉल्व हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली लिंक्ड एन एडसेंस अकाउंट और यहाँ पर जो भी एरर आ रहा था फाइनली हट गया है और इनका चैनल अंडर मोनेटाइजेशन के लिए प्रोग्रेस में चला गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप थ्री इन प्रोग्रेस। तो दोस्तों अब ये चैनल 2 से 3 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा और भाई की जो भी इशू था फाइनली सॉल्व हो गया है। दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या वीडियो में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ।